जिसमें है बाबा का ढाबा। वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत और एक आदमी काम करते थे, 80 साल से ज्यादा थी उनकी उम्र, जो लगातार यहाँ पर काम करते थे और उनकी वो 30 रुपए किलो 30 रुपए के हिसाब से वो यहाँ पर सब्जी वगैरह रोटी देते थे और तरह के साथ रोटी बनाते थे। आप देख सकते हैं कि भीड़ का क्या माहौल है, सुबह से ये भीड़ लगी हुई है, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हो चुके हैं। यूट्यूब की बात की जाए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफी जगह इस वीडियो को वायरल किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि यहाँ पर दुकान पे नहीं है, दुकान को बंद करा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर भीड़ अभी वैसी की वैसी लगी हुई है और लोगों में भी जिस बाइक के लोगों से बात करें और जाने की किस तरीके से वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे और साथ ही वो अब अगर फेमस हुए तो उनको कैसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर भी था और सफोकेशन ज्यादा हो रही थी, परेशानी हो रही थी, इसलिए वो दुकान बंद करके चले गए। लेकिन अब आपको बता दें कि एक नॉर्मल सा स्टॉल बाबा का ढाबा जो अब इतना ज्यादा वायरल हो चुका है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड में है, वही चीज अब लोग यहाँ पर देख रहे हैं और लोग लाइव भी बना रहे हैं। लोग भी खुश है कि एक ऐसा स्टॉल जहाँ पर इतना सस्ता सामान मिलता था और उनको पता भी नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब लोगों तक इसकी जानकारी पहुंची है और लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको बता दें कि ऐसा लग रहा है कि शाम तक और शायद रात तक भी इतना ही जमकर लोगों का लगा रहेगा और इस तरीके से लोग यहाँ पर आते रहेंगे। मैं कशिश कैमरा पर्सन रहेगा झा के साथ आठ होने में उठ दिल्ली। अभी आप लोगों को कितनी खुशी हुई है कि आपका ढाबा रातों रात फेमस हो गया है? क्या कल से लेकर अभी तक कोई भी बदलाव नजर आया? लोग आए हैं आपके पास, लोगों ने खाना खाया है? आपने सुबह कितने बजे खाना बनाया था? 2 बजे खत्म हो गया खाना, 2 बजे तक खत्म हो गया खाना। अभी आप लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं कि जिस तरह से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े ढाबों पे लोग जाते हैं, उसी तरीके से आपके पास भी लोग आए और आपके खाने को खाएं? हाँ, कहते हैं कि उसे कुछ पारा भाई यहाँ खाना सही नहीं रहता हमारा खाना, आप सभी देखे खाए इतना बढ़िया खाना सिखा बड़े होटल में मिलेगा, बिल्कुल अच्छा। तो हम आइए अंकल से भी मिलते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? मेरा नाम कांता प्रसाद। कांता प्रसाद, आप भी यहाँ पे कितने टाइम से खाना बना रहे हैं? तो आपको लॉकडाउन से पहले आपका काम सही चलता था? हाँ। तो आपको ज्यादा जो मुश्किल का सामना करने पड़ा है वो लॉकडाउन के बाद करना पड़ा है? लॉकडाउन की वजह से लोग आपके पास नहीं आ रहे थे। आप यहीं पर ही रहते हैं? यहीं रहते हैं आप? यहीं पर ही आपका आना जाना है? हाँ। अच्छा, आपके घर में परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 लड़के हैं और लड़की। तो ऐसी क्या मतलब आपकी मजबूरी है कि आपको इस उम्र में मेहनत करनी पड़ रही है, आप यहाँ पे काम करते हैं, आपकी क्या मजबूरी है? हाँ जी? आपकी क्या मजबूरी है कि आपको इस उम्र में काम करना पड़ रहा है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? अगर पेट है तो काम करना ही पड़ेगा। तो आप अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं? आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिस तरह वो बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं उसी तरह आपके पास आए? हम भी चाहते हैं कि हमें लोग खाना खाएं, हमें मेहनत के पैसे दें, हैं अपना हमारा खाना देखें तो हमारा खाना कैसा है। आप कितने तरीके का खाना रखते हैं, कितने आइटम्स रखते हैं? क्या क्या रखते हैं आप खाने में? क्या क्या खाने में ना, हम एक सब्जी दाल बनाते हैं और रोटी चावल। अच्छा, एक थाली में कितने क्या क्या देते हैं? चावल, रोटी, सब्जी? हाँ, चार रोटी, हाँ जी, दाल, चावल, सब्जी। कितने की थाली होती है? थाली होती 60 रुपए को। तो कल के मुताबिक आज आपकी ज्यादा बिक्री? हाँ, वैसे एक रोटी 5 रुपए की है, सब्जी 30 रुपए की हाफ है। अच्छा, जिन्होंने आपकी वीडियो बनाई गौरव जी, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से आज आपका ये थे हमारे साथ बाबा दे ढाबा।